नमस्कार, सिरसा में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव अभी। पूर्व प्रधानमंत्री की 78वीं जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर आर्केट यानी राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से इसमें अस्पताल के सामने यह सेंटर तैयार किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव उषा शर्मा भी मौजूद रहीं। इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि आज वो भावुक हो रहे हैं क्योंकि राजीव गांधी ने यह सपना देखा कि कैसे हम आईटी के क्षेत्र में दूसरे देशों से मुकाबला करके आगे निकलेंगे और उनकी जयंती पर यह उद्घाटन हुआ है। यह राजीव गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि है। नामी आईटी कंपनियों के विशेषज्ञ युवाओं को जॉब के लिए तैयार करेंगे। एक पारदर्शी जवाबदेह सुशासन के लिए यह सेंटर सबसे ज्यादा मददगार साबित होगा। कोरोना के अंदर हमने अभी 11,000 से ज्यादा पंचायतों से जुड़ करके जब सीधी बात करते थे, मैंने करीब 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है। अधिकांश वो खाली कोरोना को लेकर थी। इतनी अच्छी गवर्नेंस हो सकी क्योंकि आईटी का नेटवर्क राजस्थान ने बहुत मजबूत बना रखा है। मैं खुद भावुक हो रहा हूँ आज के प्रोग्राम से क्योंकि राजीव गांधी के साथ में मंत्री था केंद्र के अंदर। आज जब पूरे मुल्क में आईटी क्रांति हुई है, हमारे देश के अंदर भी हम लोग पीछे नहीं है, काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। हमारे यहाँ के नौजवान अमेरिका में जा कर के तेलका में जा रहे हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट खुद इस बात का लोहा मान रहे कि इंडिया के नौजवान आकर के यहाँ पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आईटी सेक्टर के अंदर।